खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी मजबूती से दांव पेश कर रही है। बीजेपी के पास योगी की सशक्त लीडरशिप है जिससे विरोधियों को होश फाकता है। आने वाले चुनाव में बीजेपी को कैसे टक्कर दी जाए, कैसे हराया जाए, इसी समीकरण की तलाश के बीच मऊ में दो दल साथ आए हैं। अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ने मऊ के मंच से योगी के खिलाफ हुंकार भरी। अखिलेश राजभर साथ आए, यूपी को कितना सुहाए। योगी विरोधी मोर्चे का ऐलान, छिड़ा सियासी संग्राम। मऊ में बड़ी रैली, RY वोट बैंक की लामबंदी होगी। ये दोस्ती, ये जुगलबंदी, ये साथ यूपी की जंग का ऐलान है। यूपी विधानसभा की 403 सीटों में से 50% से अधिक प्रतिनिधित्व रखने वाली जातियों को रिझाने की कोशिश है, उन्हें साधने का एजेंडा है। अखिलेश यादव और ओपी राजभर यूपी की सियासत के दो बड़े चेहरे हैं, दो बड़ी पार्टियों के सर्वे सर्वा हैं। समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 19वें स्थापना दिवस के अवसर पर मऊ में बड़ी रैली कर दोनों नेताओं ने योगी को चुनौती देने की कोशिश की है। हलधरपुर के मैदान से ओपी राजभर ने मंच से खदेड़ा होई का नारा दिया। बंगाल में खेला होबे का नारा लगल रहल, का लगल रहल, बंगाल में खेला होबे का नारा लगा। और दीदी ने ऐसा खेला किया कि भारतीय जनता पार्टी चारों खाना चित हो गई, लौट करके लोग दिल्ली चले गए। अब यूपी है, अब यूपी में खदेड़ा हो गए। जब पीला और लाल एक हो गया तो दिल्ली और लखनऊ में लाल पीला कौन हो रहा है? और फिर आपने ठीक कहा, अगर बंगाल में कुछ हुआ है, अगर बंगाल में कुछ हुआ है तो ठीक कहा है आपके अध्यक्ष जी ने कि अगर बंगाल में कुछ हुआ है तो यहाँ के लोग भी और पूर्वांचल के लोग भी खदेड़ा कर करके दिखाएंगे, यहाँ भी खदेड़ा होगा। राजभर ने खदेड़ा होई का नारा दिया तो अखिलेश ने भी योगी सरकार को यूपी की सत्ता से बेदखल करने का संकल्प लिया। है भारतीय समाज पार्टी के चाहने वाले लोगों, आज देखो तेरी ताकत, तेरी मेहनत के बल पे, तेरे मंच पे माननीय अखिलेश यादव जी जो वर्तमान आने वाला कल हमारे मुख्यमंत्री जी को लेकर के आया हूँ। पूर्वांचल जाग जाता है, जिस समय पूर्वांचल के लोग चल देते हैं वो निश्चित दिन हो जाता है कि इतिहास बदलेगा। और जो हम आप वंचित समाज, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, जिनको अधिकार नहीं मिले, जिनको सम्मान नहीं मिला, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने का काम होगा। मऊ के मंच से योगी सरकार पर निशाने का दोनों नेताओं ने कोई मौका नहीं छोड़ा। दावा किया गया कि अगर यूपी में उनकी सरकार बनेगी तो जातीय जनगणना कराने से वो पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार पर हिंदू मुसलमान की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप बढ़ा। उत्तर प्रदेश में योगी जी का विदाई होए के चाहिए कि न होए के चाहिए, कितना लोग विदाई चाहत हुआ हाथ उठावा, विदाई चाहत हुआ न तई बतावा, ये लड़ाई के लड़ी, जे जे लड़ाई लड़ी हाथ उठावा, लड़ाई लड़वा न। अब आगे देखा ई बतावा, जेकरे घरे पांच लोग हो, पांच पर एक परिवार में, और राशन कार्ड में दुइया लोगन का नाम हो, तब बतावा राशन पांचों लोगन के मिली ना मिली। यही बदे आज माननीय अखिलेश यादव जी के बोलौले आई 2022 में मुख्यमंत्री बना के जातिवार जनगणना उत्तर प्रदेश में कराना है। साथियों, पेट्रोल के बढ़ते दाम और त्योहारी सीजन में खाने पीने की चीजों के बढ़ते दाम से जनता के परेशानियों को भी अखिलेश राजभर ने भुनाने की कोशिश की। बताओ, जुताई महंगी हो गई, बुवाई महंगी हो गई, बीज महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, खाद की बोरी से चोरी हो गई, पेस्टिसाइड महंगा हो गया। बताओ लागत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? आपकी लागत बढ़ती चली जा रही है। आय दोगुनी नहीं हुई लेकिन महंगाई दोगुनी हो गई, आकलन कर लो आप। भैया बैठा लोग
घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ करावे बदे माननीय अखिलेश यादव जी के लिए आल है। आप बोला कितना जने बिजली का बिल माफ करेबा? नहीं, दोनों हाथ उठावा, माफ करेबा ने? ई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी पावर दे ले उन ओटे से, आपके ओर से माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उसी दिन शपथ लेते ही घरेलू बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा। ये कानून हम लोग बनाना चाहते हैं। अखिलेश राजभर के ये हमले बताने के लिए काफी है कि वो सत्ता में आने के लिए कितने बेताब हैं। इसके अलावा अखिलेश और राजभर ये भी अच्छे से जानते हैं कि अगर योगी को चुनौती देनी है तो एकजुटता मजबूती से दिखानी होगी। वो तबका जो सरकार से नाराज है उसे साधना है तो जुगलबंदी को बेहतर तरीके से पेश करना होगा। ये संकेत देने के लिए लखनऊ से मऊ तक राजभर और अखिलेश एक साथ नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।